अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे। मेरा मर्दवा है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह मैं अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मैं हूं गुलजार हुसैन। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूं मई। तो आज हम इस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल इनॉग्रेशन ऑफ कश्मीर फर्स्ट ऑल वेदर विस्टा डोम ट्रेन। तो भाई साहब, विस्टा डोम ट्रेन का बड़ा ही इंडिया में ट्रेंड है, बड़ी बड़ी खिड़कियां, क्योंकि नज़ारे बड़े प्यारे होते हैं उस रूट पे। तो देखते हैं, कश्मीर तो वैसे ही भाई बड़ा खूबसूरत है और वहाँ का भी ट्रेन भी देखते हैं और नज़ारे भी। कॉर्नर करते हैं, 3-2-1 वीडियो स्टार्ट। ये चेक कीजिए गाइस, आगे से कितना डेकोरेट किया गया है विस्टाडोम ट्रेन को। बैलून्स लग रहे हैं ट्रेन है, इसके ग्लास इतने बड़े ग्लास लगे हुए साइड से, ऊपर से छत भी ग्लास के है। जब बर्फ गिरेगी उस टाइम ये छत पे गिरेगी ना, ग्लास की छत पे, कितना मस्त लगेगा बर्फ इसके ऊपर। सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, कैसे सभी लोग? उम्मीद है अच्छे से होंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं नाम लेना चाहता हूं जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। उनका नाम है सुरेंद्र पाल परीक, SURENDERPALPAREEK। उन्होंने मुझे 100 रुपये का सुपर थैंक्स भेजा है, उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है, दिल से थैंक यू सो मच। तो गाइस, आप भी मुझे सुपर थैंक्स भेज सकते हो। मेरे वीडियो के नीचे एक हर्ट शेप आइकन आता है जहाँ से आप मुझे सुपर थैंक्स भेज सकते हो। तो थैंक यू सो मच दिल से। तो जैसे कि आपको पता ही है, आज इनॉग्रेशन होने वाली है विस्टाडोम ट्रेन की। वहाँ पे LG मनोज सिन्हा आने वाले जो कि ट्रेन की इनॉग्रेशन करेंगे। तो जाते हैं श्रीनगर रेलवे स्टेशन। अभी हमको टाइमिंग नहीं पता, वहीं पर जाके देखते हैं कि कितने बजे इनॉग्रेशन होगी। ठीक है, तो आज के व्लॉग में ना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी ऑल कीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। देखिए, ये आ चुके परोबा। चलो परोबा, लेट हो चुका। चलो गाइस, फाइनली पहुँचे हम नौगांव रेलवे स्टेशन, श्रीनगर का रेलवे स्टेशन। ये देखिए, तो जाते हैं वहाँ पे, देखते हैं LG कब आएंगे और काफी डेकोरेशन करेंगे। ठीक है, मुझे लगता है अब वहाँ से ट्रेन आई होगी बानल से। ये देखिए कितने सारे लोग उतरे ट्रेन से। ये देखिए गाइस, ये रही विस्टाडोम ट्रेन की आज यहाँ पे इनॉग्रेशन होने वाली है। वहाँ से जाके मैं आपको जल्दी जल्दी से दिखाता हूँ। यहीं पे LG मनोज सिन्हा आने वाले जो कि इसकी इनॉग्रेशन करेंगे। शुक्र है यार, यहाँ पे ट्रेन थी, मुझे लगा आज मिस होगी, आज ट्रेन में देख पाऊंगा, क्योंकि लेट हो चुका था ना। मैं सोच रहा था सुबह 8:30 बजे निकलूंगा, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया। अभी मुझे लगता है 10 से ऊपर ही बजे होंगे। चलिए कोई नहीं, अभी जाते हैं उस वाले प्लेटफॉर्म से यहाँ से। ओके, तो गाइस ये चेक कीजिए, ये रही विस्टाडोम ट्रेन। ये देखिए, इसकी आज यहाँ पे इनॉग्रेशन होने वाली है। ठीक है, वहाँ से ना बंद कर दिया गया, वहाँ से लोकल नहीं जा सकते। LG आएंगे, वो इनॉग्रेशन करेंगे इसकी। मैंने इससे पहले नहीं देखी है, मैंने ना वो गूगल पे ही देखी थी, पता नहीं। लेकिन जो पुरानी वाली ट्रेन थी ना, उससे थोड़े बहुत यहाँ पे विंडोज़ बड़े हैं। बाकी ऊपर से तो नहीं लग रहा मुझे कि ऊपर से भी इसके ग्लास है। हाँ हाँ, ऊपर से भी ग्लास ही है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए गाइस, यहाँ पे इतने बड़े ग्लास नहीं लगे हुए। यहाँ पे देखिए पूरा व्यू दिखेगा यहाँ से। ओ भाई साहब, यहाँ पे ना बड़े बड़े ग्लास लगे हुए खिड़कियाँ, खाली साइड से नहीं ऊपर से भी देखिए। रूफ भी इसका ग्लास का ही है, ये देखिए उसका छत भी ग्लास का ही है। यार बढ़िया ट्रेन है, इसके ग्लास इतने बड़े ग्लासेस लगे हुए साइड से, ऊपर से छत भी ग्लास के है। ये देखिए विस्टाडोम ट्रेन। अभी यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक LG मनोज सिन्हा नहीं आते। ठीक है, फिलहाल हमको ट्रेन देखनी थी, वो तो देख लिया हमने, अब करते हैं वेट इनॉग्रेट होने का। ये देखिए फ्रेंड्स, ना ही मैं को और ना ही पाजी को लग रहा था कि यही वाली ट्रेन होगी, ये ना सिंपल सी लग रही थी, लेकिन जब आगे चलते ना आगे जगह पता चलता है ये वाली ट्रेन है। हाँ, आपको लगा था ये नई वाली होगी? बिल्कुल, ये लगता है वो पुरानी वाली है, लेकिन आगे जाके देखो ना, आगे से छत भी वो ग्लास का ही है। एक दो डब्बे जो की मतलब अच्छे से, लेकिन ये वाला जो डब्बा है ना, इसमें देख कितने बड़े बड़े वो विंडोज लगे हुए हैं, खाली साइड से नहीं ऊपर से भी छत भी देख ग्लास का ही है। अरे भाई छत भी देखना, छत भी ग्लास का ही है। अरे बहुत ही मस्त है, इसमें तो करेंगे ये वाले डब्बे में करेंगे भाई। कश्मीर टू कन्याकुमारी जाएंगे, कन्याकुमारी ऊपर से अगर साफ आफ आएगा वो अच्छे से दिखेगा ऊपर पहाड़ से। अगर बर्फ गिरेगी ना भाई, वो किस पे गिरेगी? शीशे पे बर्फ गिरेगी ना, कितना मस्त लगेगा। अरे जो भी आप धीरे धीरे होगा ना अच्छे से, है कि नहीं? फिलहाल इनॉग्रेशन है आज, तो बाकी ये देखना भाई, जब बर्फ गिरेगी उस टाइम ये छत पे गिरेगी ना, गिलास की छत पे, कितना मस्त लगेगा बर्फ इसके ऊपर। यार बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला, आप ना वो अच्छे से देख पाओगे पूरा
कश्मीर का व्यू आप देख पाओगे, चाहे वो ऑटम सीजन हो, चाहे वो सैफ्रॉन के फील्ड्स हो जो कि खेती की जाती है, या स्नो में हो, हर सीजन का आप यहाँ पे मज़ा ले सकते हो। ये देखिए बानिहाल बड़गाम बारामूला, लेकिन मैंने गूगल पे देखा था खाली बड़गाम से लेकर बानिहाल तक ये ट्रेन जाएगी। बाकी ये देखिए यहाँ पे बैलून्स ये सब लगे हुए हैं क्योंकि इनॉग्रेशन होने वाली है, आगे से भी डेकोरेट किया गया इस ट्रेन को। ये देखिए चेक कीजिए गाइस आगे से कितना डेकोरेट किया गया है विस्टेडम ट्रेन को, क्योंकि आज इनॉग्रेशन होने वाली है। अभी यहाँ पे एलजी मनोज सिन्हा नहीं आए हुए हैं, लेकिन जल्दी वो भी आएंगे। हाँ यहाँ पे ना सभी अभी फोटो खिंचा रहे हैं, बस हमको अलाउ करने चाहिए, हम भी फोटो खींचते हैं। मित्रों आपको कैसा लग रहा है ये माला देख के? माला देख के ऐसा फील होता है जैसे कोई गाड़ी लाता है ना पहले, जैसे कि आपकी शादी है। हाँ वैसे माला की ट्रेन की शादी है, इनॉग्रेशन करनी है। सही है बस अभी हम है ट्रेन के बीचों बीच, ट्रेन के बीचों बीच नहीं है, ट्रेन की पटरी जो है ना उसके बीचों बीच। यहाँ पे फोटो खींचेंगे हम फटाफट से। तो गाइस मैंने तो यहाँ पे फोटो खींच लिया, लेकिन उसके साथ ही यहाँ पे ट्रेन में छोड़ने लगा, तो पूर्व भाई भाग चुके हैं, हमको लगा ट्रेन स्टार्ट होगी। यहाँ पे डेकोरेट किया गया हमारे लिए एलजी मनोज सिन्हा के लिए, मस्त है ना। अभी सब लोग यहाँ पे देख सकते हो आप, सब लोग यहाँ पे वीडियो उठा रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे एक्साइटेड है इस ट्रेन में सफर करने का, इवन हम भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, हम ना बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, सबसे ज्यादा हम ही है। अंदर भी कोई लोग है मुझे लगता है, कोई वीआईपी ये सब होंगे, पर कोई टेंशन नहीं, एक ना एक दिन हम भी वीआईपी बनेंगे। वीआईपी क्या मतलब, थोड़ी बहुत पहचान तो हमको भी होगी ना, उस टाइम हम आराम से ट्रेन में जा सकते हैं। मुझे लगता है मीडिया वालों को वहाँ से अलाउ करेंगे उस साइड से जाना, लेकिन हमको नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम थोड़े से छोटे ब्लॉगर हैं, छोटे बड़े कुछ नहीं होता, बस वो पहचान नहीं है ना अभी लोगों को हमारी। यहाँ पे ना अभी थोड़ा सा डेकोरेशन ही चल रही है, ये देखिए यहाँ पे मुझे लगता है बैलून्स ये सब लगेंगे अभी। ये देखिए यहाँ पे बैलून्स लग रहे हैं ट्रेन में, ट्रेन को सजाया जा रहा है, डेकोरेट कर रहे हैं। हाँ क्या हो गया पाजी, क्या हो गया पाजी, और क्या हो गया भाई? तो गाइस कल भी मैंने आपको गूगल करके इस ट्रेन की डिटेल दी, आज भी मैं आपको गूगल करके इस ट्रेन की थोड़ी बहुत और डिटेल दूंगा। इसी आपको पता है कश्मीर इज ऑल वेदर हाईटेक विजडम कोच है ये, मतलब हर किसी वेदर के लिए बनाई गई है। सर्दी होगी तो हीटर चलेगा, गर्मी होगी तो एसी चलेगा, ठीक है। बाकी इसमें क्या है ना, 40 सीटर एसी कोच है ये, लार्ज ग्लास विंडोज है, आपको जैसे मैंने दिखाया साइड से भी ग्लास लगे हुए, ऊपर से भी ग्लास लगे हुए, एलईडी हैलाइट्स है इसमें, रोटेबल सीट्स है, इनबिल्ट जीपीएस बेस्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। तो हाँ बहुत ही मज़ा आने वाला है इस ट्रेन में, खासकर जब हम राइड करेंगे ना पूर्व भाई और मैं, उसके बाद ना आपको अच्छे से डिटेल लेंगे इस ट्रेन के बारे में, जल्दी हम इसमें एक सफर करेंगे बानिहाल तक। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था इसमें एलईडी लाइट्स लगी हुई है, मुझे लगता है ये है एलईडी लाइट्स, या अंदर मत होगी, लेकिन पाजी और मुझे ना ये वाले लग रहे हैं, ये वाले जल भी रही है ना सामने। हाँ हेडलाइट्स एलईडी की है ना इसकी, पुरानी जो पुरानी वाली थी ना वो नॉर्मल लाइट्स होती थी। हाँ वो बल्ब होता था। हाँ बल्ब बल्ब अब ये जो है ना विजडम में नई एलईडी लाइट जी जी है। और यार सीट्स भी दिखाते हैं, रोटेबल सीट्स है ना, ये रोटेबल सीट्स है यहाँ पे, ये देखिए ये रोटेबल सीट्स है, ओके ऐसा मैंने पढ़ा। ये देखिए गाइस अंदर से भी इसमें बैलून्स लग रहे हैं, पता है कैसा कैसी सीट्स है, जैसे एरोप्लेन में सीट्स होती है ना उसी टाइप की है थोड़ी बहुत। हाँ अंदर आगे से वो टेबल भी है, टेबल टाइप ना वो, ये देखो ये वाला है ना, और ऊपर क्या है एलईडी टाइप भी है कुछ। अभी हम बाहर से गैस मार रहे हैं, लेकिन अंदर का अभी हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा अच्छे से, थोड़ा वो दिखाई दे रहा कि वहाँ पर डेकोरेशन चल रही है, बाकी उसमें जाने के बाद ही पता चलेगा। पाजी कब हम राइड करें उसकी? कल 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 परसों तक, कल परसों जाएंगे, लेकिन बानिहाल तक जाएंगे। क्यों? ये देखो मेरी एंट्री, अभी ना खाली एक ही डब्बा डाला गया है जिसमें ऊपर से भी ग्लास लगे हुए नीचे से भी, बाकी मुझे लगता है नॉर्मल ही है अभी। तो जल्दी मुझे लगता है और भी यहाँ पे डब्बे डाले जाएंगे जिसमें ऐसे वो ग्लास होंगे साइड से भी ऊपर से भी। तो मित्रों ये देखिए विस्टाडम आ गई, असली विस्टाडम यही है ना। ये देखिए अब यहाँ पे धक्का मुक्की होगी ट्रेन में चढ़ने के लिए, देखिए यहाँ से और चौका क्या 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 ठीक है चढ़ने जाएंगे इनको जल्दबाजी, जल्दबाजी में अंदर उनको भी बंद कर देंगे, खुद भी चले जाएंगे। अरे बनियाल 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 जा रहे, किधर जा रहे हो, किधर जा रहे हो?
बानल से कहाँ जाना है? बनिहाल से जम्मू। जम्मू से? जम्मू से बिहार। हाँ मुरादाबाद। करे पाजी हम जल्दी आए, क्यों अब ना वहाँ से अलाउ नहीं कर रहे? मुझे लगता है जिनके पास वो कार्ड वार्ड होगा वो उन्हीं को अलाउ करेंगे, है ना? हमको अलाउ नहीं कर रहे वहाँ पे जाना। अब जितना हमने वीडियो उठाया ना वही ठीक है, क्यों शुक्र है भाई थोड़ा बहुत वीडियो उठाया सामने से जो डेकोरेशन ये सब की गई थी, बाकी यहाँ से अब अलाउ नहीं कर रहे वहाँ जाना। चलिए कोई टेंशन नहीं है भाई, हम ट्राई करेंगे। हमको जो वीडियो उठाना वो तो उठा लिया हम। तो गाइस जैसे कि आपको पता है आज से विश्रम ट्रेन रन करेगी कश्मीर के ट्रैक्स पे। तो मैंने सुना ये ना खाली दिन में दो बार ही सुबह ये 9:10 पे निकला करेगी बानल के लिए, और बानल से करीब करीब 4:30 ये वापस आया करेगी। और जैसे कि एरोप्लेन में फैसिलिटी होती है ना फूड्स की, वैसे आप यहाँ पे भी ऑर्डर कर सकते हो। अभी मैंने सुना बाकी इसमें चढ़ के कन्फर्म होगा वो। देखो गाइस ये विश्रम ट्रेन वहाँ से ना अलाउ नहीं किया जाएगा हमको, जहाँ से इनॉग्रेशन होने वाली है वहाँ से, जो यहाँ से पर्दा बांधा गया ना इसके उस पार होने वाली इनॉग्रेशन। ओके तो गाइस पिछले 3-3.5 घंटे से हम रेलवे स्टेशन पे खड़े थे, अब ना वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस रुकने भी नहीं दे रहे, बोल रहे अगर आपको रुकना है तो बाहर जाके रुकिए। हम अभी उनसे पूछ रहे कि इनॉग्रेशन कितने बजे होने वाली है, आधे बोल रहे 2 बजे होगी, आधे बोल रहे 5 बजे होगी, 4:30 बजे, 4 बजे, मतलब कन्फर्म ही नहीं है हमको। अगर हम वहाँ पे होंगे बिना वहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे, ओबियसली गवर्नर है तो वहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे हमको वीडियो उठाना। तो मुझे लगता है हम ना किसी तरह आपको क्लिप्स दिखाएंगे इनॉग्रेशन की अच्छे से, उस पर देखो जो मीडिया वाला कोई उठाएगा वो क्लिप्स दिखाएंगे आपको। तो हाँ खुद तो हम नहीं उठा सकते क्योंकि हमको वहाँ पे रुकने भी नहीं दे रहे, बोल रहे यहाँ पे खड़े मत रहो बाहर जाके खड़े रहो। 3-3.5 घंटे से यहाँ पे वेट करें, सुबह से यहाँ पे वेट करें, अभी भी यहाँ पे इनॉग्रेशन नहीं होगी, शाम को ही होगी, तो दिन भर यहाँ पे क्या ही करें, है कि नहीं? यहाँ पे अभी मुझे लगता है यहाँ पे कुछ मिल ही नहीं रहा खाने को भी। तो जाते हैं वापस, आपको ज़रूर इनॉग्रेशन की क्लिप दिखाते हैं, बाकी ट्रेन हमने आपको लाइव दिखाई, सामने दिखाई ट्रेन, इनॉग्रेशन की क्लिप दिखाते हैं आपको। किसी ना किसी तरह हम पूरी कोशिश करेंगे आपको इनॉग्रेशन की क्लिप दिखाने के लिए, ठीक है? बाकी कोई टेंशन नहीं है, जल्दी हम 1-2 दिन के बाद इसकी राइड करेंगे और बानल तक जाएंगे। ओके तो गाइस फाइनली निकल चुके हम घर के लिए, अगर हम यहाँ पे रुकेंगे बिना शाम तक इनॉग्रेशन के लिए फिर भी हम यहाँ पे वीडियो नहीं उठा सकते क्योंकि सिक्योरिटी ना बहुत ज़्यादा टाइट है। ओबियसली यहाँ पे गवर्नर को आना है, तो हाँ जो खाली वो मीडिया जिनके पास आईडी ये सब होगी वही आगे जा सकते हैं, हमको तो अलाउ नहीं कर सकते, हमने बहुत कोशिश की। तो यहाँ पे ना ज़ाया ही है यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करना, बाकी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपको क्लिप्स दिखाने की जो कि यहाँ पे इनॉग्रेशन की होगी। तो कोई टेंशन नहीं है, जल्दी हम इसकी राइड भी करेंगे इस ट्रेन की। ओके की वीडियो बहुत ही बड़ी बन गई, इसलिए करते हैं आज की वीडियो को यहीं पे एंड। उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। वीडियो खत्म हो गए भाई साहब, कश्मीर का लुक भी दे दिया था भाई साहब ट्रेन के ऊपर, ट्रेन के एंड दोनों तरफ उन्होंने कश्मीर बना दिया, जो पेंटिंग थी ऊपर बहुत बड़ी कश्मीर की बनी, साफ जो देख लो वो कश्मीर का है, वो भी कश्मीर का, और ऊपर तस्वीरें पिक्चर बनी थी वो भी कश्मीर दिखाया गया। और मजे की बात है ये ट्रेन मतलब है कश्मीर के अंदर, मैं देहरादून देख के वो पहाड़ों वाला इलाका है तो उधर भी इन्होंने ट्रेन चला दी, ट्रैक बिछाया ना भाई, ये श्रीनगर से कहां जाएगी वो कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तक बहुत लंबा रास्ता आएगा, बहुत ज्यादा लंबा है, डिब्बे थोड़े भी लगे 4-5 डिब्बे बोगियां थी, बड़ी लंबी हाँ 4-5 बोगियां तकरीबन थी, कोई एक आधी नीचे पर हो सकती, लेकिन प्यारी ट्रेन है, अच्छी ट्रेन और अंदर से भी खूब से लेकर वैसे अंदर लेके जाना तो उनको नहीं मिला था जाने के लिए। स्टार्ट ऑफ ट्रेन ने जो है वो बोगियां देखी हैं, बड़ी खूबसूरत थी उनकी, जो एक उनका ये मौज होती है, एक रोटेट करती है उनकी जो सीटें होती हैं,
कि बंदा फुल घुमा के बैठ सकता है और जो नजारे हैं वो देख सकता है। और ऊपर की क्लास ये है कि भाई खिड़कियां बहुत खुली दी गई हैं ताकि जो साथ जा रहा भाई बंदा कश्मीर से अगर गुजरे कोई भी ऐसा नजारा मिलता जो मिस करने लायक तो वो मिस किए नहीं जा सकता, वो देख सकते हैं। और जो हर मौसम में चलेगी भाई लेकिन इंडिया ने एक जाल बिछा दिया पूरे हिंदुस्तान में ना ट्रेनों का, बिल्कुल जाल बिछा दिया है। तो पता नहीं क्या वजह यार हमारे मुल्क में क्यों नहीं कम से कम, चलो जितने बुरे हालात है वैसे तो इतने इतने पैसे हैं बिजनेसमैनों के पास, अभी तो इतना लंबा आर्मी के पास नहीं ट्रैक तो है लेकिन अच्छी ट्रेन तो लाहौर से कराची तक तो जाता है और यार सफर तो बड़ा दूर दूर तक है, एक बलूचिस्तान लेकर जाती है फैसलाबाद से उधर बलूचिस्तान में ट्रेनें जाती है। लेकिन ये मतलब कहने का ये कोई अच्छी कोई नई ट्रेन नहीं लॉन्च कर रहे, इसकी अच्छी नहीं इन जैसी नहीं कम से कम एक नई ट्रेन तो चाइना की मदद से बना ले खरीदी बोगियां इंजन खरीदे वो चले तो नहीं अभी तक चल गए और यार वो एक ही थी उसके बाद क्या वो पीछे नहीं करना चाहिए इतना बड़ा मुल्क है एक ही ट्रेन का भी है इधर इतना ट्रेन पे लोग सफर नहीं करते पर्सनल गाड़ी को प्रेफर करते हैं ज्यादा भाई जब ट्रेनें इंडिया की तरह ज्यादा होगी कीमत कम होगी अच्छी ट्रेन होगी अच्छा माहौल मिलेगा फ्यूचर अच्छे वाली मिलेगी तो फिर क्यों नहीं चढ़ेंगे हमारी ट्रेन में भाई किसी काम की नहीं बसों में जा रहे जो मैं दो दफा कराची गया हूँ लेकिन यकीन मानने अल्लाह के शुक्र है खैरी सलामती गया और खैरी आया नहीं वो ट्रेनें तो अच्छी जो लाहौर से कराची जाती है यार वो बड़ी उनकी कीमत भी देखना कितना किराया भी कितना ज्यादा लेते हैं आम गरीब बंदा तो क्यों हजार रुपया दिहाड़ी कमाने वाला वो इतनी कीमत अदा करेगा इतना सफर हो अब तो 5 से 1500 किलोमीटर सफर है लाहौर से कराची काफी सारा लंबा सफर है यार मुझे 18 घंटे लगे थे उस बार मैं मुशर्रफ के दौर की बात कर रहा हूँ मैं गया था उधर काम के सिलसिले में कोई काम था तो मैं मेरे एक फुफो का लड़का था वो जर्मनी में होता है हम दोनों गए थे हम एक महीने के बाद वापसी आए थे यकीन माने 18 घंटे में जाते लगे इतना ही लग जाता है 18 से 20 घंटे मजा आया था यकीन माने जो रास्ते में हमने एंजॉय किया ना वो माहौल इतना प्यारा खूबसूरत मैंने देखे कभी ना पाकिस्तान को यकीन मान तारक बड़ी बड़ी घूमने वाली मजे वाली जगह थी असल से कराची से वापस ही मैं इसीलिए आया था कि टाइम बहुत ज्यादा लगता है एक्टर बन जाता कराची में गया था अदलीप कुमार इसने बन जाना था लेकिन मेरे वालिद की तबीयत थोड़ी नासाज थी और भाई मैंने सोचा कि भाई अगर खुदा ना खास्ता अगर उनको कुछ हो गया तो मैं तो भाई साहब लाश का मुंह भी नहीं देख पाऊंगा इसलिए मैंने वो बीच में ही छोड़ा और मैं वापस आ गया। चलो शायद टाइम जो है वो बहुत ज्यादा लग जाता है वो एयरपोर्ट से भी बंदा जाए तो ना तो टाइम पे टिकट मिलती है ना वो बंदा बहुत दलील हो जाता है तो ट्रेन का जो उतार है वो तो लंबा एंजॉय करे सारा कश्मीर घूमे तो उतरने भी नहीं उतरे भी नहीं सारा रास्ते मतलब ट्रेन में गुजरता है बिल्कुल होता है बंदा स्टेशन पे थोड़ी देर नहीं मैं तो भाई उतरा ही नहीं बैठा था अंदर ही जो हम तो रुके थे बावल नगर बावल रुकती तो है बड़े जंक्शन पे रुकती है थोड़ी थोड़ी देर रुके है लेकिन लंबे ट्रैवलर्स को ट्रैक में लंबे लंबे रास्ते में एक घंटे बाद नहीं आ जाता हूं। अच्छा भाई ये ना आर्टिकल 370 हटने के बाद जितने भी प्रोजेक्ट चले ना कश्मीर में भाई साहब कश्मीर का नक्शा ही बदल दिया भाई उनका हक भी बनता दुनिया को दिखाने के लिए और बाकी डेवलपमेंट कर रहे हैं और ये भाई इनको कश्मीरियों को कितना फायदा है पूरा हिंदुस्तान के साथ जुड़ गए तो अब ये तो नहीं कोई भी काम करना आसान है उनकी जो हाथ से चीजें बनाते हैं वो भी जाके आसानी से बिल्कुल सकते हैं अब ये भी दुनिया को दिखा भी रहे G20 मीटिंग नहीं हुई उधर उन्होंने दिखाया साबित नहीं किया वाकई ही डेवलपमेंट कश्मीर को कर रहे और एक और चीज है भाई जो ऐसे रास्ते जो टनल बनाए गए ना
जो ट्रेन के लिए या पहाड़ों को काट के जो बनाया गया पैसा भी बहुत ज्यादा खर्चा बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन उसका फायदा ये कि जो 6-6 महीने कट ऑफ हो जाते थे कंट्री से, जब बर्फबारी का मौसम होता है तो मिलना जुलना बंद हो जाता, रास्ते बंद ही चालू रहेगा, तो ये बहुत बढ़िया है भाई साहब। अच्छा ठीक है भाई, बहुत बढ़िया लगा। और ये क्या नाम है एल जी इस तरह ही LCF नाम था शायद, सेना करके नाम था, इस तरह के नाम था आगे लिखा हुआ था। बड़ी दफा नाम सुना यार इस वीडियो में भी बताया, लेकिन भूल कर कोई बात नहीं। चलो लेकिन ये भाई का हम दूसरी वीडियो जरूर देखना चाहेंगे, इसमें ये खुद इस ट्रेन में बैठ के सफर भी करेंगे, अंदर का फ्यूचर भी बताएंगे, जरूर देखना चाहेंगे हम। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और ये जो ट्रेन, चलो ये ट्रेन के तो क्या पैसे पूछने की कितनी लागत है, लेकिन मजा हमें भी आएगा इधर बैठ के जब वो ट्रेन चलेगी कश्मीर, हम भी जम्मू कश्मीर का नजारा कर ले, हमें भी मजा आएगा, फ्री में मजा आएगा। इस ट्रेन का कोई ब्लॉग और इंस्टाग्राम का तो वो भाई जरूर भेजिएगा, क्योंकि ये सफर दिखाया जाए ताकि हम भी इधर मजा एंजॉय कर सके। ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।